आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप पेटीएम सर्विस एजेंट आप कैसे बन सकते हैं, इसमें आपको क्या काम करना होता है और इसमें आप कितने पैसे कमा सकते हैं। सोराज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में आपको क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरा वीडियो कहीं पे बिना रुके डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है पेटीएम सर्विस एजेंट आप कैसे बनेंगे और इसमें जो है आपको पर मंथ 30,000 रुपये आप कमा सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको छोटा मोटा इसमें आप काम करना है, ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। बस इसमें जो है आपको वार कोड आपको जो है शॉप वाले को जाकर वहां पर पहुंचाना है और बहुत ही आसानी से जो है आप अर्निंग कर सकते हैं 30,000 रुपये। तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली ज़रूर देखना होगा तभी आप सीख पाएंगे किस तरीके से जो है आप पेटीएम सर्विस एजेंट आप कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेटीएम सर्विस एजेंट बनने के लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो है पेटीएम सर्विस एजेंट बनते हैं तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 30,000 रुपये आप पर मंथ कमा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसके पास टाइम है वो जो है फुल टाइम जो है ये कर सकते हैं और इसमें जो है आप 30,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि पेटीएम प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए पेटीएम जो है वार कोड, जैसे अभी के टाइम में पेटीएम का जो है बहुत सारा नेटवर्क है तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो है वार कोड, यहाँ पे आपको जो है दुकान वाले के पास जो है जाके सप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं साउंड बॉक्स से पेमेंट जो है रिसीव होता है तो साउंड में आवाज़ आता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है आपको साउंड बॉक्स जो है दुकान वाले के पास जाके आपको देना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाता है कार्ड मशीन और यहाँ पर आपको मिल जाता है फास्टैग। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे वाले आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जो है अगर आप जो है ये सर्विस को यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन एंड बिल पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ से टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, मोबाइल जो है प्रीपेड को रिचार्ज कर सकते हैं, इसके बाद केबल टीवी को आप इसे यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, लैंडलाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है यहाँ से आप जो है बिल जो है पे कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं, DDH यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से जो है बैंक का स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन की बात करें तो आप कौन से इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इस वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सर्विस एजेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको वार कोड यहाँ पे जो है सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दुकान वाले के पास जाके देना पड़ेगा, साउंड बॉक्स देना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर कार्ड मशीन जो है आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल जो है फ़ोन आपको यहाँ पे आपको जो रिचार्ज है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे जो है बुक ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट का टिकट, होटल टिकट, बहुत सारा आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरीके से कौन अप्लाई कर सकता है इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसका एज जो है 18 प्लस में है, मतलब 18 साल से ऊपर है, वही जो है यहाँ पे पेटीएम सर्विस एजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से नीचे वाले जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पेटीएम सर्विस एजेंट बनने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर देखेंगे हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। इसी तरीके से इस पर क्लिक करके और भी जो भी प्रोसेस है इसमें आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और गाइडलाइन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जिसका एज जो है 18 प्लस में है वही जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो है एंड्रॉयड फ़ोन जो है आपके पास होना चाहिए। तो अभी के टाइम में जो है हर आदमी के पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो ये जो है कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास जो है कम्युनिकेशन और यहाँ पर देख रहे हैं नेटवर्किंग स्किल जो है आपके पास होना ही होना चाहिए। तो अब जो बात आती है कि आप जो है इसमें जो है अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आइए। आप जो है यहाँ से भी जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पर देख रहे हैं कि अप्लाई नाउ आप इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे जो है आपको जेंडर चूज कर लेना है, यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है कौन से स्टेट से है, इसी तरीके से यहाँ पे सिटी चूज कर लेंगे, पिन कोड, ईमेल आईडी डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। इसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उस पर क्लिक करेंगे, आप कौन सा पढ़ाई किए हुए, जैसे आप 10th है, 12 है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है आपको इसमें चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपको एंड्रॉयड फोन है या नहीं, अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में जो है सभी के पास एंड्रॉयड फोन होता ही है। यहाँ पे वेबनेस चूज कर लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डिड यू हर्ट अबाउट, यहाँ पे आपको चूज कर लेना कि आपको ये खबर जो है कहाँ से मिली है, तो यहाँ पे सोशल मीडिया चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले पे क्लिक करते यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो है पेटीएम सर्विस की तरफ से आपको जो है कॉल किया जाएगा। इसके बाद जो है आपको एक कोड दे दिया जाएगा। इसके बाद जो है आप बहुत ही आसानी से आप जो है काम शुरू कर सकते हैं। सूरज इस तरीके से है, आप बहुत ही आसानी से है पेटीएम सर्विस एजेंट के लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आप पर मंथ 30,000 रुपये कमा सकते हैं। सो गाइस आप तो अब सीख लिया होगा किस तरीके से पेटीएम सर्विस एजेंट बन के आप कैसे 30,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।